एक्सप्रेशन फॉर नेट फोर्स ऑन डायपोल लाइंग इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, पहली बात तो ये इस टॉपिक पे लिख लो, नॉट फॉर एनसीईआरटी, स्कूल के लिए इसको पढ़ के नहीं जाना, ये रिजल्ट है, क्योंकि इसके ऊपर कोई क्वेश्चन आता नहीं है, ऑब्जेक्टिव के लिए है। एक ऑब्जेक्टिव आपको बुक्स में मिलेगा, जो लोग ऑब्जेक्टिव बुक करेंगे और फिर सॉल्व नहीं होगा वो वापस डाउट की फॉर्म में आएगा, इसलिए बता रहा हूँ कि अगर मान लो आपके पास नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसमें कि देख रहे हो ये स्पेसिंग टाइट है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है, यहाँ पे लाइंस खुली हो गई तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर वीक है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ई ए है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई बी है, पॉजिटिव चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इन राइट डायरेक्शन, कितने, क्यू इंटू ई बी, और नेगेटिव चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड राइट है और फोर्स लेफ्ट है, पर क्योंकि ई ए बड़ा है ई बी से तो इस वजह से लेफ्ट की फोर्स बड़ी है राइट की फोर्स से, तो नेट फोर्स डायपोल कहाँ मूव करेगा, टूवर्ड्स लेफ्ट मूव करेगा, तो इसकी जो फोर्स होगी वो क्या होगी, क्यू इंटू ई ए माइनस क्यू इंटू ई बी, क्यू कॉमन आ गया, इस रिजल्ट को एल से मल्टीप्लाई, एल से डिवाइड कर दो, एल का मतलब है लेंथ ऑफ डायपोल, क्यू इंटू लेंथ ऑफ डायपोल, क्यू इंटू टू ए या क्यू इंटू एल क्या होता है, डायपोल मोमेंट, और ये चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, डी ई, और इसको लिख सकते हैं डी एल, तो ये रिजल्ट आएगा कि अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें नेट फोर्स डायपोल पे लगेगी पी इंटू डी ई बाई डी एल, पी का मतलब डायपोल मोमेंट है और डी ई बाई डी एल का मतलब है ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग एक्स एक्सिस, जिस भी वर्ड के पीछे ग्रेडियंट लग जाए यानी कि डिवाइडेड बाई लेंथ, जैसे प्रेशर ग्रेडियंट प्रेशर बाई लेंथ, वेलोसिटी ग्रेडियंट वेलोसिटी बाई लेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट इलेक्ट्रिक फील्ड बाई लेंथ। फॉर्मूला बुकलेट में आप सिर्फ फॉर्मूला नोट कर लें जिसमें हेडिंग डाल लें कि नेट फोर्स ऑन डायपोल लाइंग इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, उस टॉपिक के अंडर ये फॉर्मूला नोट करें पी इंटू डी बाई डी एल, और इस शीट के ऊपर इस टॉपिक पे ऊपर नॉट फॉर एनसीईआरटी लिख लें, प्रूफ की जरूरत नहीं है आपको, ये कुछ करना नहीं है आपने, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, मतलब आप कहीं घर जाके पढ़ें कि मैं देखूँ ये क्या लिखा, कोई जरूरत नहीं है आपको, मैंने इसलिए करवाया क्योंकि ये जो फॉर्मूला है इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल आया हुआ है, वो न्यूमेरिकल आपसे होगा नहीं, बस वो बताना है मुझे कैसे करना है। तो F की वैल्यू क्या है, P इंटू डी बाई डी एल, ठीक, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में F की वैल्यू है P इंटू डी बाई डी एल, ठीक है, यहाँ तक तो ये फॉर्मूला लिख लिया, बस ये फॉर्मूला चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अब इसको अप्लाई कैसे करना है इसको एक बार देखते हैं। देखो अप्लाई करने के लिए आपको ऐसे क्वेश्चन आएगा, ये ऑब्जेक्टिव बुक में गिवन है, उसने एक डायपोल को रखना है किसी एक्सिस पे, वो एक्स पे रखेगा या वाई पे रखेगा या जेड पे रखेगा, कहीं तो एक रखेगा, जैसे मैंने यहाँ पर जेड पे रख दिया, तो डायपोल लगा हुआ है क्यू एंड माइनस क्यू, ये रहा अलॉन्ग जेड एक्सिस, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेंज हो रही है 10 की पावर 7 एट अ रेट ऑफ 10 की पावर 7 न्यूटन पर कूलम पर मीटर। देखो न्यूटन पर कूलम तो ई का फॉर्मूला है, यूनिट्स है ई के, पर मीटर का मतलब डी ई बाई डी एल गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट लेंथ गिवन है, तो यहाँ पे आपको क्या गिवन है, डायपोल मोमेंट गिवन है, आपको क्या निकालना है, क्योंकि ई चेंज हो रहा है इस रेट से, इसका मतलब इट्स अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तभी तो चेंज हो रहा है, तो आपको फोर्स बतानी है, तो फोर्स का फॉर्मूला पी इंटू डी बाई डी जेड कर देना, अगर डायपोल जेड एक्सिस पे है तो डी बाई डी जेड हो जाएगा, अगर एक्स पे है तो डी बाई डी एक्स हो जाएगा, अगर वाई पे है तो डी बाई डी वाई हो जाएगा, यहाँ पर जेड है तो डी बाई जेड डी जेड की वैल्यू गिवन है, पी आपको गिवन है, दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर। तो ये उन लोगों के लिए जो ऑब्जेक्टिव बुक्स करते हैं और कहीं ना कहीं फंस सकते हैं, तो इस प्रॉब्लम से ये जो मैंने फॉर्मूला करवाया उससे वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, हालांकि बहुत क्वेश्चन बुक्स में गिवन नहीं है, फिर भी एक क्वेश्चन तो गिवन है जहाँ से मैं लेके आया हूँ, ठीक है यहाँ तक।